स्टार्ट। नमस्कार पारस जी, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से आपने आज थर्ड आई मेडिटेशन का कोर्स किया है कतार देवी टेंपल में। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस अमेजिंग, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे क्या फील हुआ है। जो चीज मैं आज फील किया हूँ, मैंने अभी तक लाइफ में कभी फील नहीं की थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे यूनिवर्स से इस वे से जोड़ने के लिए, जिस इतने इजी वे से जोड़ने के लिए। और मैं यूनिवर्स के हिसाब के प्रोजेक्ट में आपके साथ। आप कमिटमेंट करते हैं, आप कमिटमेंट करते हैं, आप हमेशा थर्ड आई के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे और प्रैक्टिस करोगे? जरूर जरूर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से एक कोर्स किया है थर्ड आई मेडिटेशन का, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है और अंदर से पीस फील हो रही है, शांति फील हो रही है और लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जो मुझे ये चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और सबसे पहले तो आकाश सर का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, अ मिलियन ऑफ थैंक यू सर, कि सर की वजह से आज मैं इतना कुछ सीख पाई मैं। और सबसे बड़ी बात कि सर जो भी सिखा रहे हैं इसका कोई चार्ज नहीं लिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड। बट अभी दूर मत जाइए। कोई एक कमिटमेंट जो आप यूनिवर्स के साथ करना चाहेंगे आज? मेरा कमिटमेंट, मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे कितना क्या कुछ करना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो बस एक चैप्टर को स्टार्ट किया है, सार अभी बाकी है। थैंक यू। नमस्कार मैडम जी, आज आपने कतार देवी की धरती पे थर्ड आई मेडिटेशन का कोर्स किया है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि हम इतनी देर से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं। एकदम एनर्जी लग रही है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। और सर आपसे ये कोर्स करके और आपकी बातों से इतना प्रभावित हुई हूँ, कैसा लग रहा है यूनिवर्स में जिसको मैं ढूंढ रही थी वो गुरु के रूप में आप मिले हो, आप अब लक्ष्य तक पहुंचाओगे जो मेरा लक्ष्य है। और यूनिवर्स की सेवा, यूनिवर्स के लिए मैं ये वादा करती हूँ जो कुछ भी मेरा है सब यूनिवर्स के लिए है, जितना भी जो कुछ भी है सब उसकी सेवा में, यूनिवर्स के लिए, उसने ही मुझे दिया, मैं उसके लिए ही लगाऊंगी। धन्यवाद। नमस्कार सुनीता मैडम, आपने कसार देवी टेम्पल की धरती पे आके थर्ड आई मेडिटेशन का कोर्स किया है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर ये पहली बार था क्योंकि मैंने इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर कोर्स जो सुबह से आप क्लासेस ले रहे हैं कि मैं अटेंड कर पाई हूँ। अदरवाइज मैंने कितनी भी क्लासेस पहले भी और मिशंस की अटेंड की हैं, वहाँ पर मैं एक डेढ़ घंटे में इतना बोर फील करती थी और मुझे नींद आने लगती थी, और यहाँ पर मैं इतना एनर्जी फील कर रही हूँ और मुझे अंदर से इतनी शांति मिल रही है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे में चेंज आ गया तो उसका आप प्रैक्टिकल अनुभव कराई दूंगी। दीपक जी, मैं आपके सेवा भाव से बहुत प्रभावित हूँ, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा। और आज आपने थर्ड आई मेडिटेशन का कोर्स किया है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा है, और जितने बार भी कुछ ना कुछ मेरा उसमें कुछ ना कुछ अनुभव हुआ है हर सेशन में सर, और ऐसा अनुभव आज तक कभी लाइफ में नहीं देखा है मैंने। और जैसे आपने बताया था कि यहाँ पे एक एनर्जी अलग ही है, वाकई वो महसूस हुई है आकर कि हाँ वाकई यहाँ पे कुछ है। और जिस हिसाब से आपने सिखाया है एक एक चीज को पूरे सिंपल हिसाब से बताकर समझाकर, वो वाकई आज तक किसी ने ना समझाई है और ना बताई है, सिर्फ ये बताया कि हाँ भाई आप इतने दिन तक ये कीजिए या इतने दिन तक ये कीजिए, लेकिन आपने रूबरू होकर हमारे सामने होकर उस चीज को हमसे अनुभव करवाया है। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक थर्ड आई से क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं सीख पाऊंगा यूनिवर्स को दूंगा। One word means I want peace. नमस्कार मैडम जी, आज आपने यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से कसार देवी में थर्ड आई मेडिटेशन का कोर्स किया है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
सर सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगी और यूनिवर्स का थैंक्स करूंगी कि जो मैं चाहती थी बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी और शायद यही रीजन है कि यूनिवर्स ने मुझे आपसे मिलाया और एक्सपीरियंस जो है इतना अच्छा रहा कि मैं मतलब मैंने जो चीज ढूंढ रही थी मैं अपनी लाइफ में वो चीज मुझे यहाँ पे आके मिली, इतनी शांति मिली। और यूनिवर्स को देने की बात रही तो हम कुछ नहीं दे सकते यूनिवर्स को क्योंकि उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है, तो पूरी तरह से मेरा जीवन उनके लिए समर्पित है। थैंक यू। नमस्कार संदीप सूर्यवंशी जी। नमस्कार। आज आपने कसार देवी टेम्पल पे जस्टिन कुमार यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से थर्ड आई मेडिटेशन का कोर्स किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके जो ये कोर्स थर्ड आई मेडिटेशन कोर्स करने का, एक तो मुझे सबसे पहले जो एक पीस मुझे ढूंढ रहा था जो चाहिए थी वो तो बहुत फील हुई है, और जैसे कि जो पहले जो मेडिटेशन में करता था बट उसका जो लेवल था वो अलग ही था। इस बार जो मैं मेडिटेशन करा है यहाँ पर जो चीज़ मैंने फील करी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि जो चीज़ क्या फील करा है मैंने, बट बहुत डिफरेंट रहा है यहाँ का जो मैंने जितना भी मैंने एक्सपीरियंस और जितना भी मैंने मेडिटेशन किया है। नमस्कार अमरजीत जी, आज आपने कसार देवी टेम्पल की धरती पे थर्ड आई मेडिटेशन का कोर्स किया है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर सबसे पहले जो है हम आकाश सर का थैंक यू करना चाहेंगे जो है, क्योंकि जो है आज जो क्लास हुई है उसकी वजह से जो एनर्जेटिक मैं फील कर रहा हूँ, उसके बाद अंदर पीस ऑफ माइंड यानी अंदर से बिल्कुल ऐसा मतलब अंदर से बिल्कुल शांति लग रही है, अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंदर से पीस ऑफ वो लग रहा है, शांति लग रही है। और जो क्योंकि मैं उस बातों को भी मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर से फील बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसलिए मैं आकाश सर को बहुत बहुत थैंक यू कर रहा हूँ और यूनिवर्स फाउंडेशन का सबसे बड़ा धन्यवाद जो ये मेडिटेशन उन्होंने जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया और इतने सारे लोगों के जो है सर्विस किया है, जो भी हमारे साथ लगभग 55-60 लोग हैं जो है सभी लोगों का जो है यहाँ पे मेडिटेशन हुआ है और सभी लोग जो है बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो इसके लिए आकाश सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके फाउंडेशन को जो यूनिवर्स फाउंडेशन है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो है हम अपने यूनिवर्स से जो है यही एक प्रॉमिस करना चाहेंगे जो उन्होंने मुझे दिया है उसको सर्विस के रूप में सारे लोगों में बांटेंगे। नमस्कार परमानंद जी, आपसे मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज आपने कसार देवी की धरती पे थर्ड आई मेडिटेशन किया है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है, बाकी जो कुछ भी हुआ है आकाश सर के कुछ अनुभव और आपके क्रिया क्षेत्र के द्वारा और हमें जो आपका आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है, प्रेम प्यार मिला है, मेरे साथी सभी जितने भी यहाँ आए हुए हैं इन सब ने जो अनुभव किया है, सबके अलग अलग विभिन्न क्षेत्र के अपने अनुभव रहे हैं और सभी अनुभव एक से एक विलक्षण होंगे, परंतु कुछ व्यक्त कर पाएंगे कुछ व्यक्त नहीं कर पाएंगे, परंतु 100% गारंटी है सभी अपने अनुभवों को बहुत सहज के रखेंगे और आपसे यूनिवर्स से व्यक्त करेंगे। मैं यूनिवर्स के साथ सदा रहूंगा और साथ ही बना रहूंगा। धन्यवाद। अभय जी नमस्कार, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड नहीं वंस अगेन। ओके अभय जी, आज आपने यहाँ यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से वेंचर वैली यूनिवर्स क्लब में मेडिटेशन किया है, थर्ड आई मेडिटेशन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, पहली बार मैंने मेडिटेशन किया लाइफ में, मतलब मैंने सोचा नहीं था मेरे को करना पड़ेगा कभी, बट मैंने किया और मैं इतनी देर बैठा रहा, आई कांट बिलीव कि मैं इतनी देर कैसे बैठा रहा बिकॉज आई हैवंट डन दिस एवर, तो मेरे लिए तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, बट जो पता नहीं मेरे अंदर ये एनर्जी कहाँ से आई कि मतलब एक ही पेस पे इतनी देर सुबह से लेके अभी तक बैठना और कोई थकावट मेरे को अभी तक फील भी नहीं हो रही, बहुत पॉजिटिविटी लग रही है, अभी जैसे उठे तो सब बहुत डिफरेंट था, बहुत अच्छा सा लग रहा है, तो एक्सपीरियंस रियली वेरी नाइस, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नमस्कार भारत सर, आज आपने कसार देवी टेम्पल की धरती पे थर्ड आई मेडिटेशन कोर्स किया है और इस कोर्स को करने के लिए आपने बड़ी लंबी जर्नी तय की, आप गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा कसार देवी पहुंचे हैं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? शब्दों से कहना ये बहुत मुमकिन नहीं है, फिर भी जो मेरा अनुभव है
52 साल की आयु में कई बार ध्यान करने के लिए मैं बैठा लेकिन कभी ध्यान नहीं हुआ। वेवरिंग माइंड रहता था, विचारों के आना जाना ये सब रहता था और कल तक मैं यही सोचता था कि ध्यान मुझे क्यों नहीं हो रहा है। सब लोगों की अलग अलग फीलिंग सुनता था तब भी मुझे ये होता था और मन में ये प्रश्न रहता था कि क्या होता होगा, ध्यान में क्या होता होगा। लेकिन आज जब जैसे ही ये शक्तिपात के बाद मैं स्वयं ध्यान करके बैठा तो बचपन में जिस मंदिर में जाके बैठता था वहाँ प्रकाश था वो साक्षात मुक्तिमंत हुआ। इनका अनुभव रहा जो कभी नहीं हो सकता। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। आज आपने कसार देवी टेंपल की धरती पे थर्ड आई मेडिटेशन कोर्स किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर मेरा आज का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। सुबह से लेकर अभी तक आपने जो हमें जो एक्सपीरियंस करा, जो एक्सरसाइज वगैरह की, उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, यूनिवर्स की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो एक निष्भाव भाव से सुबह से लगे, आई थिंक काफ़ी दिन से लगे हैं। और आज मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो शक्ति का अनुभव, मेरे को उठाते ही गुरु नानक साहब के दर्शन हुए और बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हालांकि मुझे नींद नहीं आई, मैं भी सोच रहा था कि बाकी लोग की तरह मुझे नींद क्यों नहीं, लेकिन मैं फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैंने कहा बस मेरे को एक यहाँ से लेके जाना कुछ, तो मैं परमात्मा का शुक्रिया करता रहा, पृथ्वी माँ का, सबका, आपका, सबका मैं धन्यवाद करता रहा। तो मेरा यही पर्पस है कि ये जो एक नया अनुभव मिला है इसको लेके मेरे जो पहले जो थे अपने विचार थे उसको चेंज हो चुके हैं। पहले थी मैं यूनिवर्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ और उसी के लिए मैं अपने को सक्षम बनाना चाहता हूँ और आपने को रास्ता दिखा दिया तो मैं अब उस पर चलना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने कसार देवी टेम्पल की धरती पर यूनिवर्स सेवर फाउंडेशन से थर्ड आई मेडिटेशन कोर्स किया है, क्या लगता है आपको, क्या फायदे होने वाले हैं इसके फ्यूचर में? सर आज का जो सेशन रहा उस सेशन में मुझे जो अनुभव हुआ, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि खुद परमात्मा ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं कई सारे स्पिरिचुअल टॉक्स कई सारे लोगों से, कई गुरुज से डिस्कस किए हैं, मेरे कई प्रश्न रहा करते थे, उस क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स नहीं देते थे, लेकिन जिस तरीके से सवाल का जवाब आकाश सर जी के पास है तो आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे हर सवाल का जवाब यहाँ से मिल रहा है। और पूरी इंडिया में जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं तो आई फील लाइक कि जो जो मेरे मतलब रिस्पेक्टेड गुरुज है उसमें मैं अपना एक और गुरु ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ थ्रू यूनिवर्स फाउंडेशन। और मैं ये भी चाहूँगा कि सर पूरे भारत भर में अपने सेंटर्स खोले ताकि हम लोग हमारे हम उनको भी मदद कर सके और साथ में जनता का भी भला हो। आज आपने यूनिवर्स सेवर फाउंडेशन से थर्ड आई मेडिटेशन का कोर्स किया है और यूनिवर्स इंडिया के उस पॉइंट पे किया है जो कि मेडिटेशन में नंबर वन माना जाता है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर सबसे पहले साउंड कि आज पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज रही वो हर एक एक्टिविटी में हमारा कल्याण था, चाहे वो ताली बजाने की एक्टिविटी हो, चाहे वो डांस की एक्टिविटी हो, हर चीज में हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे जो हमारे अंदर था। बहुत सारे जो सुबह से आपने हमसे बातें की उससे हमें जो ज्ञान मिला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर्स ऑटोमेटिक मिलते गए हैं। अभी जब शक्तिपात हुआ उस टाइम पे मैं बहुत स्पीचलेस थी, मैं अपने आप को कुछ बोल नहीं पा रही थी, मेरे पास कोई ये नहीं था, मैं बहुत पीसफुल थी और मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। इसलिए मैं यूनिवर्स में एनिमल्स के लिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड करके मैं एनिमल्स के लिए सर्विसेज देना चाहूँगी जो स्पीचलेस है, जिनकी हम फीलिंग्स जैसे आज मैं अपने आप को फील कर रही थी, मैं वैसे एनिमल्स को फील करके और मेरी जो भी सर्विसेज होगी मैं वो उस रूप में देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार मैम। नमस्ते सर जी। पहले तो आपसे माफी चाहेंगे कि तय किए हुए टाइम से हम लेट चल रहे हैं आपके साथ और आपने काफी हेल्थ इश्यूज होते हुए मुंबई से कसार देवी तक की जर्नी तय की है जिसमें आपको काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ा है और अभी आपने जो कोर्स किया पूरा दिन यहाँ बैठ के, तो मैं जानना चाहूंगा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर जी, मतलब थैंक यू तो शायद बहुत छोटा शब्द है, कोई शब्द है ही नहीं। आपने जो बॉम्बे से लेके अभी तक हर छोटी से छोटी चीज वर ऑल लर्निंग लेसन्स और वो हम हमारे साथ जिंदगी भर लेके जाएंगे। आपसे सीखना तो मतलब यू आर चलती फिरती यूनिवर्सिटी, मैंने भगवान को देखा नहीं है
भगवान को महसूस किया है और ये मुझे दीदी बोलते हैं और आज इनमें मैंने भगवान को महसूस किया। सर जी मैं टुडे शक्ति पास मैं बोल नहीं सकती, आई फेल्ट अ बिग बैंग। जिसको पता है मेरी डांस एकेडमी का नाम नटराज डांस एकेडमी, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, मैंने आज तक उनके दर्शन किए नहीं है, बट जब उन्होंने हाथ रखा इधर आई कुड फील अ ब्लास्ट ओवर हियर। मैं मतलब मैं पूरी वाइब्रेट तो नहीं हिल गई थी। एंड मैं ये जरूर बिलीव करती हूँ कि इट इज द ग्रुप एनर्जी विच वर्क्स। तो सबसे पहले सर जी यूनिवर्सल फाउंडेशन टीम वाले सभी के लिए बिग बिग थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस। वेरी बिग थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन प्रेजेंट ओवर हियर बिकॉज आप सबकी भी एनर्जी आई गेस यू नो अपनी सबकी एनर्जी एक दूसरे के लिए काम आती है। So very nice. Thank you. I bow down from the bottom of my heart, and this is just a very small token. Please, अब ये हमारा निस्वार्थ भावना से चल रहा एक मिशन है, इसमें हम किसी तरीके की ऐसी चीज स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी आपसे विनती है आप आशीर्वाद के रूप में यूनिवर्स को सर्व करो। मैं बड़ी बहन के नाते क्लास के बाहर आपसे मिलूंगा। थैंक यू। चार नमस्ते आपको, मैं आपकी नमस्कार मैडम जी। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपने इतना हार्ड डिसीजन लिया लोगों का साथ देने और उसके बाद मुझे पता ही नहीं है कि मैं दो दिन पहले इतनी बीमार थी कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी और अभी तो मुझे पहाड़ पे चढ़ा लो आप, मेरे साथ ये फीलिंग हो रही है। और जैसे ही सर ने शक्ति पार्क के लिए मेरे सर पे हाथ रखा, मैं कुछ भी किसी गुरु को किसी को भी याद नहीं कर रही थी, बट हाँ मुझे गुरु नानक जी एकदम ऐसा लाइट आई वो दिखे और बस वो चले गए और उसके बाद मुझे सर दिखे और बस उनके रूप में मैं तो आज से सर को ही सब मान रही हूँ और मेरे ही गुरु, क्योंकि मैंने जो चाहा था मुझे खुद को ही पता था सॉरी कि मुझे क्या चाहिए, बट मुझे आज वो रास्ता मिल गया है और मैं मेरी फीलिंग मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या करूँ। वो अनुभव जो मुझे हो रहा है आज मेरी बॉडी के अंदर, मैं सिर से लेकर पैर तक इतनी एनर्जी मेरे अंदर, मुझे लग रहा था कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ और आज मैं दौड़ रही हूँ। अब मुझे चाहे आप दौड़ लगवा लीजिए, मैं 10 किलोमीटर तक की दौड़ के चली जाऊंगी, मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगी। ये जगह इंडिया में नंबर वन मानी जाती है मेडिटेशन के लिए, इस एनर्जी पॉइंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इट वॉज ऑसम, मैं अपनी फीलिंग कह रही हूँ, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे इतनी एनर्जी फील हो रही है कि मैं मतलब क्या कहूँ। मेरा शरीर मुझे बता रहा ना कि मुझे लग ही नहीं रहा था, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, मुझे वो एनर्जी नहीं लग रही थी, बट आज सुबह से लेकर शाम तक के टाइम में मैं ऐसी हो गई हूँ कि कहीं भी मुझे कोई पेन नहीं है, मुझे ऐसे फूल की तरह हल्का लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बस मैं दौड़ूं चलूं और मुझे अब करना है यूनिवर्स के लिए जो मेरे से बन पड़ेगा, मैं सब करूंगी सब करूंगी और मुझे देना है, मुझे हमेशा ग्रेटिट्यूड पे रहना है एनिमल्स के लिए, ट्रीज के लिए, स्पेशली दिल से हार्ट से मैं उनके लिए सब करूंगी जो मेरे से हो सकेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आपने यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन से कसार देवी टेम्पल से थर्ड आई मेडिटेशन लर्न किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग स्पीचलेस एंड जब इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज टेकिंग अटेनमेंट फेस टू फेस और अटेनमेंट के टाइम में अपने आप को ये कन्विंस कर रही थी कि एक तो मुझे कभी भी इन चीज़ों का प्राइड ना आए कि मेरा ऐसा ऐसा थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है और सेकेंडली मैं इन जो भी पावर्स होंगी उसको अपने लिए और यूनिवर्स की सर्विस के लिए यूज करूँ और सेकेंडली आई वाज एक फील कर रही थी कि यहाँ पे सबके साथ ऐसा हो रहा है शायद कि जैसे दिल्ली मेट्रो में ना तो चढ़ना पड़ता है ना उतरना पड़ता है, सबके साथ अपने आप ही चढ़े जा रहे हैं, अपने आप ही सबके साथ हो रहे हैं। जैसे वो अंकल बता रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं होता था ध्यान में और आज सब कुछ फील हो रहा है, तो सबके साथ मेरे ख्याल से बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और जो भी हम घर पे अपने काम पर्सनल और प्रोफेशनल छोड़ के आए हैं, मुझे लगता है आज सबका जस्टिफाई हो गया होगा वो सब जो भी हम सेक्रीफाइस करके आए हैं। नमस्कार मैडम जी, मैडम जी मेरा एक्सपीरियंस ये था कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आज जो आपने मुझे मुझसे मिलाया वो मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी
और ये जो एक्सपीरियंस था, जैसे अपने हाथ रखा और मेरी बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई और मतलब एकदम जो वाइट लाइट आई थी, दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर माय लाइफ। और यहाँ पे आके जो चीज़ मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं यहाँ कभी आऊँगी, बिकॉज बहुत सारी बारी मैंने इसको टाला भी था, बट अल्टीमेटली मैं आई। और सर थैंक यू सो मच, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे कोई ऐसी चीज़ दी जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। थैंक यू सो मच सर। सर हेमंत हूँ पंचगिनी से। सबसे पहले मैं आकाश सर का जो निस्वार्थ भावना से आपने इतना सब कुछ किया उसको मैं नमन करती हूँ सर। और इसमें से थोड़ा कुछ हम भी पार्टी हमें भी मिल जाए तो हम काफ़ी कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, जैसे सर कर रहे हैं। जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ वो ऐसा था कि जैसे सर ने शक्तिपात किया, मुझे एकदम गर्म फीलिंग आई फोरहेड पे, और थोड़ी देर के लिए मुझे पूरा वाइट और ब्लू, शायद स्काई था क्या था मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन पूरा ऐसा क्लियर विजन आया और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। और आपने जो आज सुबह से लेके अभी तक में जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आकाश सर का धन्यवाद करती हूँ, यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। आज सारा दिन सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक हम में इतनी एनर्जी है उसका हम कह नहीं सकते। जो एक्सपीरियंस है वो वंडरफुल, अमेजिंग, और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं जो सर, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। इतनी दिल से सेवा करते हुए मैंने आज पहली बार अपनी लाइफ में देखा है, और जो ये हमें दे रहे हैं इतने सारे लोगों को इतने प्यार से, मैं उनके किसी शब्द नहीं है मेरे पास वो कहने के लिए जो हमें मिला है। शायद कोई ईश्वर का करिश्मा है और सर का ये डिवाइन सोल है एकदम, जो प्यार से हमें सब कुछ दे रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं, निस्वार्थ सेवा है। और जो हमें सिखा भी रहे हैं, क्लासेस में भी सिखा रहे हैं, उसमें भी हमें इतना कुछ सीखने को मिला। हमें घर बैठे बैठे हमारे एनर्जी लेवल, घर बैठे बैठे जो पॉजिटिविटी आई, हम नेचर से जुड़ गए, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। बस यही कहेंगे कि भगवान जी इनको इतनी अच्छी सेहत दे, बहुत अच्छी हेल्थ दे, और ये अपनी जो सेवा करते हैं करते चले जाएंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो भी चीज हम लोग ये आज जो अनुभव किया है ना, वो हम लोग वीडियो में देख के या ऐसे से भी सोचते थे कि हो जाता है, लेकिन वो शायद हमें मतलब एक अजीब सा घमंड कह लें या कुछ भी वो था, वो आज टूट गया है सर की वजह से, क्योंकि जो इन्होंने कराया है वो शायद हम लोग कभी नहीं कर सकते थे। और मैं बहुत खुश हूँ, शायद इसी में गुम रहना चाहती हूँ। दोबारा से स्टार्ट मैं दिल्ली से हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर कसार देवी, और मुझे बहुत अच्छा लगा नेचर से जुड़कर, बहुत अच्छा फील किया, बहुत अलग ही एनर्जी थी यहाँ पर, वाकई में बहुत बड़ी ताकत है यहाँ पर, बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ है, सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके स्टार्ट। सिर्फ दो लाइनें बोलूंगा मैं, एक तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का जो डिलीवर करने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, दैट वाज वंडरफुल, एंड द वर्ड बेटर ह्यूमन इज प्रूवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके सर, जहाँ के कसार देवी टेम्पल में आके जो हमको ध्यान की गहराई में डूबने का मौका मिला, और वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया तजर्बा था। और मैं चाहता हूँ यूनिवर्स को रिक्वेस्ट है कि आकाश जैसे बच्चे घर घर में हों, तो जो इस दुनिया को हम और खूबसूरत बना सकें, और हर घर से एक आकाश निकलना जरूरी है, और ये इनका जो है लोगों को ए बेटर ह्यूमन ऐसा ही होना चाहिए, और हम सबको ऐसा ही बनना है। और यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन जो भी कर रही है NGO, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, और जहाँ जितना किसी को बोलते हैं लाहा लेना है तो जहाँ आना चाहिए, और एक एक साथ आपने लेके आओ, और हमको सभी को प्रॉमिस करना चाहिए कि यूनिवर्स से जो भी ले है उससे ज़्यादा उसको वापस देने की कोशिश करें। थैंक यू पैसा।